आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। बार बार घड़ी की तरफ क्या देख, 11 बजने वाले, तेरा दिमाग सरक गया क्या? उसकी क्या मौत आई है जो आएगा उस्ताद? फिर भी अंधेरे की तीर का क्या भरोसा? मैं आ गया। बेटा तुम आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जाओगे। दोस्तों, 70s के दौर में जो फिल्में बनती थीं उनमें एक्शन बहुत होता था, फाइट होती थी, इसलिए फाइट मास्टर भी बहुत होते थे। और आज जिस फाइट मास्टर की मैं बात कर रही हूँ वो सबसे अलग थे, सबसे जुदा थे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे और उनके सर पे बाल भी नहीं थे। और सबसे बड़ी खूबी उनकी ये थी कि वो एक्टर बहुत अच्छे थे और वो थे फाइट मास्टर शेट्टी। डीएसपी का खून मैंने नहीं किया था, प्रधान साहब ने किया था। प्रधान? हाँ, हाँ, कैसे? कैसे? जिस दिन पुलिस की रेडी हुई थी थोड़ी देर के लिए मेरे को पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं अंदर कमरे में बैठकर अपने 2-3 साथियों के साथ शराब पी रहा था और अचानक प्रधान साहब आ गए और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन था, अगर मैं उसे कुछ भी नहीं बताता वो मेरा खून कर देता। पहली जनवरी 1931 में पैदा हुए थे शेट्टी साहब मैंगलोर में, एक बहुत गरीब परिवार में। उनका असली और पूरा नाम था मधुबाबू शेट्टी और उनकी मातृभाषा थी तुलु। उनके माँ बाप ने उनसे कहा कि बेटा, हम बहुत गरीब हैं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं सकेंगे, इसलिए तुम अपने दिमाग से काम मत करना, अपने हाथों से काम करना, मेहनत करना और खूब पैसा कमाना। और यही वजह थी कि सिर्फ 9 साल की उम्र में शेट्टी साहब मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद शेट्टी साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ी, कई छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि एक कैंटीन में बर्तन भी मांजने पड़े। लेकिन बर्तनों को मांजते मांजते और बर्तनों को चमकाते चमकाते उन्होंने अपनी किस्मत भी चमका ली, क्योंकि वो हर काम भरपूर हिम्मत, मेहनत, लगन और जिम्मेदारी के साथ करते थे। शेट्टी भाई मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे और अपनी बहन मानते थे और मैं भी उन्हें प्यार से शेट्टी भाई कहती थी। शेट्टी भाई को बचपन से ही बॉडी बनाने का और बॉक्सिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था और साथ ही साथ उन्होंने तलवारबाजी भी सीख ली थी और घुड़सवारी भी सीख ली थी। और ये चारों काम उन्होंने बहुत ही लगन के साथ बहुत ही जल्दी सीख लिए थे, मास्टर हो गए थे इन चारों कामों में। और उसके बाद उस दौर के जो टॉप मोस्ट फाइट मास्टर थे अजीम भाई, उनके वो असिस्टेंट बन गए। अजीम भाई ने पहले तो उनको अपना असिस्टेंट बनाया, उसके बाद उनको डुप्लीकेट बना दिया। और इसकी वजह ये थी कि शेट्टी साहब के डील डॉल के कुछ हीरोज थे तो उनके डुप्लीकेट की ज़रूरत थी, इसलिए शेट्टी साहब डुप्लीकेट बन गए। और वो हीरो थे जैसे प्रेमनाथ और प्रदीप कुमार। शेट्टी भाई बहुत जल्दी जल्दी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। पहले वो डुप्लीकेट बने, उसके बाद फाइट मास्टर बने और उसके बाद फिल्मों में काम करने लगे और कई फिल्मों में बहसियत विलन बेहतरीन काम किया। एक म्यान में 2 तलवारें और एक मुल्क में 2 राजे नहीं रह सकते। अबे राजे महाराजे गए तेल लेने, अब तू क्यों पानी भरना चाहता है? जा अपना काम कर। अबे तू क्या देख रहा है? एक पाइप बना। नहीं, वो ये नहीं पिएगा। अरे जल्दी ला यार। अरे पांडव, ये साला 2 नया गोचलो कौन है? अरे
अबे मुंह क्या देखता है, अपना नाम बता कोचो। शेठी साहब ने दिन रात मेहनत की, हर तरह के काम किए और उसके बाद खूब पैसे कमा लिए, मोटर खरीद ली, अरे अपना घर बना लिया और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने दो शादियाँ की, उनकी पहली बीवी का नाम है विनोदनी और उसके चार बच्चे हैं, दो बेटियाँ और दो बेटे, और दोनों बेटे फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। एक का नाम है उदय शेट्टी और दूसरे का नाम है हृदय शेट्टी। शेट्टी भाई की दूसरी बीवी का नाम है रत्ना शेट्टी, वो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है, और उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी महक और एक बेटा रोहित। शेट्टी भाई बहुत मजाकिया थे और अक्सर मजाक में कहते थे कि मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत शोहरत कमाई, बहुत दौलत कमाई, लेकिन ये सब हासिल करने के लिए मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, अपने बालों की कुर्बानी। अरे गंजे, जान तो तेरी वैसी ही जाने वाली है, जिंदा तो तुझे हम भी नहीं छोड़ेंगे। सोच लो, अगर मैं मर गया तो राज मेरा साथ ही चले जाएगा, और जिंदा रहा तो शायद जुबान खुल सकती है, इसलिए तुम लोग मुझे मार नहीं सकते हो। 1980 में एक फिल्म बन रही थी और उस फिल्म का नाम था बॉम्बे 405 माइल्स, और उसके एक्शन डायरेक्टर थे शेट्टी भाई। उन्होंने एक शॉट कंपोज किया था, उस फिल्म के हीरो थे शत्रुघ्न सिन्हा, और वो एक बहुत ऊंची जगह पे खड़े हुए हैं और उनके डुप्लीकेट को, जिसका नाम था मंसूर, छलांग लगानी है, बीच में आग दहक रही है और आग को पार करके दूसरी तरफ जाना है, उसने छलांग लगाई, लेकिन अफसोस कि टाइमिंग में कुछ गड़बड़ हो गई और वो आग को फलांग के दूसरी तरफ नहीं जा सका, दहकती हुई जलती हुई आग में गिर गया, झुलस गया और उसकी डेथ हो गई। और शेट्टी भाई को ज़बरदस्त सदमा हुआ, उनको कोई यह गलत फहमी हो गई थी कि मंसूर की डेथ उनकी गलती की वजह से हुई है, इसलिए वो डिप्रेशन में चले गए और बेपनाह शराब पीने लगे, दिन रात शराब पीते थे और नशे में पड़े रहते थे, कोई होश व हवास उनको नहीं था, इतनी शराब पीते थे कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शेट्टी शराब नहीं पीता है, शराब शेट्टी को पी रही है। नतीजा ये निकला कि सब कुछ ख़त्म हो गया, पाई पाई को मोहताज हो गए, यहाँ तक कि उनकी बीवी रत्ना को फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने पड़े ताकि घर का खर्चा चल सके। आखिरी दिनों में शेट्टी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो बहुत कमज़ोर और बहुत वीक हो गए थे, चलना फिरना मुश्किल हो गया था क्योंकि लिवर ने काम करना छोड़ दिया था, और नतीजा ये निकला कि उनकी डेथ हो गई, वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। और वो भयानक तारीख थी 23 जनवरी 1982, सिर्फ 51 की एज में। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आज शेट्टी साहब का बेटा पूरी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे राज कर रहा है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है और राइटर भी है। हर साल वो एक से बढ़कर एक फिल्में बनाता है जो हमेशा सुपरहिट होती हैं, और शेट्टी साहब का वो जानदार शानदार बेटा प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर है रोहित शेट्टी। रोहित, ऑल द बेस्ट ऑफ लक बेटा, कीप इट अप। बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।